अस्सलाम वालेकुम, मैं आतार मुश्ताक कबाब बोल रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। और जो ये दिलबाग सिंह बाग, ये सरदार बागी, जो ये लोग कहते हैं कि हमने रात को ड्रोन कैमरा से उनको नीचे बुलाने की कोशिश की, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे कम से कम उसकी माँ या बाप को बुला लेता। मैं कसम से, उसकी कसम खाकर कहता हूं, मैं उसको अपने गोद में नीचे आपके हवाले कर देता अगर वो आतंकवादी था। कितना झूठ बोलोगे? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं बस यही इंसाफ चाहता हूं कि इंक्वायरी हो इस पे और मुझे मेरे बच्चे की बाड़ी वापस दे दी जाए, क्योंकि मैंने अपने गांव में जो मड़गुजार हैं उसमें उसकी कब्र खोद के रखी है। मैं इंतजार कर रहा हूं अपने बेटे को, और ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमने उसको नीचे बुलाया, एक बार आया था फिर वो अंदर चला गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कितना दिल दुखाओगे अब हमको। अरे मुझे लग रहा है जब वो 4 बजे उसने अपनी बहन को फोन किया है, उस टाइम भी वो उन फौजियों के पास बंधा हुआ था, उसको रस्सी से बांध के उसको बेदर्दी से इतना मारा गया, इतना मारा गया, 16 साल का बच्चा था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, यही भारत को समझा रहे हैं हम फौजी वहां क्या क्या कर रहे हैं। अरे मेरा भी एक ही बेटा था,